एक गांव में दो सहेलियां रहती थीं। दोनों इतनी पक्की सहेलियां थीं कि चाहे उन्हें कहीं पर जाना भी हो तो वह दोनों एक साथ ही जाती थीं। लेकिन उन दोनों के ही न जाने क्यों कई साल बाद भी एक भी संतान नहीं थी। लेकिन कुछ वर्ष बाद उनमें से एक सहेली को एक लड़का हो गया। तभी उन दोनों में से एक सहेली ने उस बच्चे को गोद में लेकर कहा कि इस बच्चे का पालन पोषण हम दोनों मिलकर ही करेंगे और हम गांव में किसी को भी नहीं बताएंगे कि इस बच्चे की असली माँ कौन है। तो सहेली का दिल रखने के लिए बच्चे की असली माँ उसकी बात पर राजी हो गई और उसने अपने पति को भी इस बात के लिए राजी कर लिया। अब बच्चे का पालन पोषण होने लगा। तभी एक दिन अचानक उनमें से एक सहेली ने बच्चा अपनी गोद में लेकर कहा कि अब तुम मेरे बच्चे का मत खिलाया करो, मैं खुद इसका पालन पोषण कर लूंगी। लेकिन वह वाली सहेली उस बच्चे की असली माँ नहीं थी और शायद उसके मन में खोट आ गया था। अब उस बच्चे की असली माँ खूब रोती हुई अपनी सहेली से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे बच्चे को अपना बच्चा कहने में? मैंने तुम्हें अपना समझकर ही अपना बच्चा तुम्हें भी खिलाने को दिया और मैंने तो यह भी सोच रखा था कि आगे भी वह हम दोनों को माँ ही कहकर पुकारेगा, मगर तुम तो धोखेबाज निकली और मुझे अपना बच्चा अभी के अभी वापस दो। लेकिन उसकी सहेली ने उसको बच्चा नहीं दिया। अब बात लड़ाई तक आ पहुंची, लेकिन उसकी सहेली ने उसे उसका बच्चा नहीं दिया। तभी बच्चे की माँ रोती हुई गांव के पंच के पास पहुंच गई तो अगले दिन ही गांव में पंचायत बैठ गई। तभी पंचायत के मुखिया ने दोनों सहेलियों से बारी बारी से पूछा कि सच सच बता दो कि यह बच्चा किसका है, हम उसे माफ कर देंगे, वरना झूठ बोलने वाले को हम गांव से बाहर निकाल देंगे। लेकिन यह क्या, वह दोनों ही यह बोल रही थीं कि यह बच्चा मेरा है। अब पंच भी बड़े धर्म संकट में पड़ गया और वह भी नहीं समझ पा रहा था कि यह बच्चा किसका है। तभी पंच ने एक चाल चली और अचानक उसने गुस्से में किसी आदमी को कहा कि इस बच्चे के दो टुकड़े करके इन दोनों को दे दी जाए। इतना सुनकर बच्चे की असली माँ चिल्ला चिल्ला कर खूब रोने लग गई और रोते हुए वह पंच से यह कहने लगी कि रुको, ऐसा जुल्म मत करो मेरे बच्चे के साथ, यह बच्चा आप इसी को दे दो, लेकिन मेरे इस लाडले बेटे को मारना मत। यह कहकर उस बच्चे की असली माँ घुटने के बल बैठकर खूब ज्यादा रोने लगी। लेकिन उसकी दूसरी माँ कुछ भी नहीं बोली और वह तो अपनी जीत पर तन कर खड़ी रही। लेकिन शायद यह उसकी जीत नहीं थी, क्योंकि पंचायत का मुखिया तुरंत समझ गया कि कोई भी माँ अपने बच्चे को यूं ही मरते हुए नहीं देख सकती और उस बच्चे की माँ को अपने बच्चे के लिए यूं रोते देखकर तो कोई भी समझ जाता कि बच्चे की असली माँ वही थी। तभी पंचायत के मुखिया ने वह बच्चा उस धोखेबाज सहेली से लेकर उसे उसकी असली माँ को दे दिया और उस दूसरी सहेली को गांव से निकलने का आदेश दे दिया। लेकिन थोड़ी देर में उस बच्चे की माँ से उसकी सहेली ने बहुत रोते हुए माफी मांग ली और उस बच्चे की असली माँ ने न जाने क्यों माफ भी कर दिया। शायद वह एक माँ थी इसलिए, या वह उसकी पक्की सहेली थी इसलिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए।